गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रथम क्लास का हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था, 5.4 एक्सरसाइज आपकी और चक्कर लिया था फिफ्थ। चला लग गया है। अब आप इसमें देखेंगे भाई, आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, इसी के हिसाब से आपका सेकंड पार्ट हो रहा है, इसी के हिसाब से आपका थर्ड पार्ट हो रहा है और इसी के हिसाब से आपके जितने पार्ट उसी हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन तीन पार्ट डिस्कशन हो जाएंगे आज आपके, पहला पार्ट में डिस्कशन हो जाएगा। देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट का सेकंड जो पार्ट है, जेड इज इक्वल टू 1 + 5 का दे रखे हैं। इन्हें क्या मॉडुलस निकाल और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट बताना है। तो पोलर फॉर्म थी जेड आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन। अब देखिए, आपने इक्वेटिंग करेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट होगी, एक इक्वेशन सेकेंड। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल 1 इज इक्वल टू आर cos थीटा, थर्ड होगी, और 1 5 का सेट आर sin थीटा, ये फोर्थ। कभी बता थर्ड और फोर्थ को क्या कर देना है आपने, ऐड कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड और स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग एंड स्केयरिंग बोथ साइड, 1 का स्केयर आर cos थीटा का होल स्केयर, आर sin थीटा का होल स्केयर। वन का स्केयर वन, आर स्केयर इसमें भी आर स्केयर आ गया, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा होता है आपका एक आर स्केयर, एक और एक क्या हो जाएगी, दो। आर की जो वैल्यू है दो का क्या हो जाएगी, रूट। यह आ गया आपके पास मोड, मोडलेस डिस्कॉन, ठीक है। आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट इन द वैल्यू आर रूट टू, तो थर्ड में 1 √2 cos थीटा, 1 √2 cos थीटा। इसी के हिसाब से इक्वेशन फोर्थ में पुट इन द वैल्यू आर इज इक्वल टू √2, 1 √2 साइन थीटा, इसको सेंड कर देंगे, 1 √2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब वही चीज है, साइन थीटा के कोस थीटा की वैल्यू एक कोस ही जो वैल्यू है इसके लाइन करता है। आसानी के लिए मैं बता दूंगा आपको, ये 4 था 5 बना के मैंने और एक के बना दे दिया, सेट को 5 से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 6 and 5, तो साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा a बटे रूट टू, cos थीटा a बटे रूट टू, क्या हो गया आपका टेंजेंट थीटा, क्या है टेंजेंट थीटा, ये चीज क्या हुई है, कैंसिल ऑफ टेंजेंट थीटा कितना लगेगा, 1, और टेंजेंट थीटा 1 जो है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 5/4, ये चीज कैंसिल ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4। ये आपके पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है आपके पास। अब मैं इसको पोलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ, तो पोलर फॉर्म के अंदर क्या था, पोलर फॉर्म लिखी थी
दैट इज इक्वल टू आर, आर कितना आ गया जी रूट टू, ठीक है जी, आर कोस थीटा फाइव बाय फोर प्लस आयोटा साइन थीटा फाइव बाय, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया आपका। और ये मॉडुलस हो गया आपका, ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। इसी के साथ से हम करेंगे आपका थर्ड पार्ट।